बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू थ्योरम नंबर 14.1.4। स्टूडेंट्स, हम इसके टोटल फोर थ्योरम्स हैं, थ्री थ्योरम्स जो हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज हम इसका लास्ट थ्योरम करेंगे 14.1.4। ठीक है, अब इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले चंद एक बातों का समझना बहुत ज़रूरी है, पहले आप वो बातें समझ लें। देखें ज़रा, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। देखें बच्चों, सपोज करें आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल मैंने ये बनाई, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ABC, और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ये बनाई, इसका नाम रख लें आप EFG। ठीक है जी, मैंने टू ट्रायंगल्स बनाई हैं। अब आप ज़रा देखें, इन दोनों ट्रायंगल्स की जो शेप है, शेप वो कैसी है, सेम है, लेकिन इनका साइज़ कैसा है बच्चों, वो डिफरेंट है। तो बच्चों, इसी को हम कहते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर दो ज्योमेट्रिकल शेप्स इस तरह से हों, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स इस तरह से हों कि उनकी शेप तो सेम हो लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट हो, वो दिखने में छोटी या बड़ी हो लेकिन शेप उनकी सेम हो, ठीक है, तो हम उन फिगर्स को, उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कहते हैं कि दोज आर सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब यही बात ट्राइंगल्स के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होंगी, ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी शेप सेम हो बट साइज़ डिफरेंट हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सिमिलैरिटी में दो बातें होती हैं। पहली बात क्या होती है, सेम शेप, उनकी शेप कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है, डिफरेंट साइज़, उनका साइज़ डिफरेंट होना चाहिए। अब एक बात और सुन लें, यहाँ पर जो ये सेकंड कंडीशन है, डिफरेंट साइज़ का डिफरेंट होना ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। साइज़ डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मे और मे नॉट बी। साइज़ डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है सेम शेप, शेप सेम होनी चाहिए, तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं। ठीक होगी बात। अब आप देखें, अगली बात सुने, ये तो आपको पता चल गया कि सिमिलर ट्राइंगल्स होती क्या है। अब सिमिलर जो ट्राइंगल्स होती हैं उनके अंदर दो खास बातें होती हैं, वो दो खास बातें क्या हैं, वो ये हैं कि बेसिकली प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के, सिमिलरली एंगल बी इक्वल होगा एंगल एफ के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। बात समझ में आ गई, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आमने सामने वाले, ठीक है। जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रेंट होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड बात सुने, दूसरी बात ये होती है कि जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या कहा मैंने, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होती है, यानी कि AB डिवाइडेड बाय EF इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय EG इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय FG। बात समझ में आ गई, ये मतलब होता है प्रोपोर्शनल होने का। तो दो बातें होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में, वो क्या होती हैं, उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, और जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं इस थ्योरम की तरफ। देखें, ये मैं आपको बुक से ही करवाऊंगा, थ्योरम थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, आप यहीं से समझें इसको, इंशाल्लाह समझ में आएगा आपको। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, थ्योरम हमें कहता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर्स ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वैसे तो हमें पता है सिमिलैरिटी के थ्रू के जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन इस थ्योरम में हमने इस बात को प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो देखें, इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि टू ट्राइंगल्स का जिक्र हो रहा है और वो कैसी हैं, सिमिलर हैं। हमें सिर्फ इतनी बात गिवन है यहाँ तक कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर देखें, हमने दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर ली, एक ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल है ABC और एक छोटी ट्राइंगल है DEF। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
कोई मसला तो नहीं है। क्या किया हमने, हमने दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर ली, एक बड़ी ट्राइंगल है और एक छोटी ट्राइंगल है, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स की जो शेप है वो सेम है, ठीक है। एक का नाम है ए बी सी और दूसरी का नाम है डी ई एफ, क्लियर। अब अगर ये सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। सिमिलरली एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के, ठीक है। अब यही बात मैं इधर गिवन में लिखने लगा हूँ, देखें, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बच्चों ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, इसका मतलब होता है इज सिमिलर टू, इसको पढ़ते हैं इज सिमिलर टू, ठीक है। ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यानी कि एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, बी ई के कॉन्ग्रुएंट होगा। और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, ठीक है जी। यहाँ तक आ गए, कोई मसला तो नहीं है। ये था हमारे पास गिवन। प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है द मेजर्स ऑफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हैं। मतलब हमने ये शो करना है कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। बात समझ आई, वही बात हमने टू प्रूफ में लिखी है। टू प्रूफ में हमने क्या लिखा, मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाई मेजरमेंट डी ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी डिवाइडेड बाई मेजरमेंट डी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ई एफ, ठीक है जी। ये हमने प्रूफ करना है। अब बड़े ही ध्यान से आपने देखना है, जरा ये थोड़ा सा डिफरेंट थ्योरम है बाकी थ्योरम से। इसकी कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम दो केसेस को कंसिडर करेंगे। अभी हम पहले फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट केस हमने ये कंसिडर किया कि जो ए बी साइड है, ए बी साइड वो कैसी है, वो डी ई से ग्रेटर है। वो साइड कैसी है, डी ई से ग्रेटर साइड है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बात सपोज की कि जो ए बी साइड है डैट साइड इज ग्रेटर देन डी ई, ठीक है। और जो सेकंड केस है वो क्या है, सेकंड केस में हमने ये सपोज किया है कि जो ए बी साइड है वो लेस देन और इक्वल टू डी ई है। लेकिन अभी हम सेकंड साइड की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ फर्स्ट साइड की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ फर्स्ट जो सपोजिशन है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो सपोजिशन है वो क्या है, हमने कहा है कि ए बी जो है वो डी ई से ग्रेटर है, ये हमने सपोज किया है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ए बी डी ई से ग्रेटर है तो ए बी के ऊपर एक पॉइंट ऐसा लाजमी मौजूद होगा, ए बी के ऊपर लाजमी एक ऐसा पॉइंट होगा कि ए से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस डी ई के बराबर हो जाए, ठीक है ना। अगर ए बी बड़ा है तो लाजमी इसके ऊपर एक पॉइंट होगा। तो हमने वो सपोज कर लिया, वो पॉइंट है एल। क्या ले लिया, वो पॉइंट L, तो हमने AB के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लिया L। सिमिलरली हमने AC के ऊपर, AC साइड के ऊपर एक पॉइंट M सपोज किया, और ये पॉइंट इस तरह से सपोज किया कि AM किसके बराबर है, DF के बराबर है। और L हमने इस तरह से सपोज किया कि AL की लेंथ किसके बराबर है, DE के बराबर है, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, जरा देखें, ऑन AB टेक अ पॉइंट L, हमने AB के ऊपर एक पॉइंट L लिया सच दैट AL इज इक्वल टू DE, कि ए एल की लेंथ किसके बराबर हो गई, डी ई के बराबर हो गई, ठीक है। सिमिलरली ऑन ए सी, ए सी के ऊपर टेक अ पॉइंट एम, हमने एक पॉइंट एम लिया, ये देखें ये पॉइंट एम लिया, सच दैट ए एम इज इक्वल टू डी एफ, कि जो ए एम का डिस्टेंस है वो डी एफ के बराबर है, ठीक है जी। यहाँ तक पॉइंट्स कंसिडर कर लिया आपने, ये जो एल और एम पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। अब आप क्या करें, इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर दें। वही हमने किया, ज्वाइन एल एंड एम बाय द लाइन सेगमेंट एल एम। यहां तक आगे बच्चों, ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब आगे देखें, कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब आते हैं जी हम प्रूफ की तरफ। अब इसका प्रूफ देखना है जी आपने, फर्स्ट केस की ही बात हो रही है अभी। अब ये जो हमने ट्राइंगल्स ली हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए एल एम और इधर एक ट्राइंगल है डी ई एफ। कंस्ट्रक्शन करने से हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई ए एल एम। इस ए एल एम ट्राइंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं डी ई एफ के साथ, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी, इन ट्राइंगल ए एल एम को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, डी ई एफ के साथ। अब ये दोनों ट्राइंगल्स का देखें कंपेरिजन हम करने लगे हैं। एंगल ए तो एंगल डी के बराबर है बच्चों, ये तो क्लियर है हमें, ठीक है। ये तो गिवन से हमें पता है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, वो बात लिख ली। एंगल ए इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ये बात कहाँ से पता चली हमें, गिवन से पता चली, ठीक है। उसके बाद ए एल साइड जो है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है,
ये अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन में किया कि ए एल किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, तो अगली बात हमने यही लिखी कि ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। कहाँ से पता चला? कंस्ट्रक्शन से। अब वापस आए, सिमिलरली ए एम किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, ये बात भी हमें कंस्ट्रक्शन से पता चली, तो अगली बात हमने लिखी ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, ये भी हमें कंस्ट्रक्शन से पता चला। ठीक है, अब देखें आप इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल और दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, एक एंगल और दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ए एल एम और ट्राइंगल डी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट होंगी बाय एस ए एस पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइडें इसकी ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं और ये वाले दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हमने कहा कि दोनों ट्राइंगल्स साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ तक आ गए, कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है। यहाँ तक क्या किया हमने, हमने जो ये एक ट्राइंगल बनाई थी बच्चों ए एल एम, हमने इस ट्राइंगल ए एल एम को कंपेयर किया है डी ई एफ के साथ, और कंपेयर इस तरह से किया है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, साइड ए एल साइड डी ई के बराबर है, इसी तरह से ए एम साइड डी एफ के बराबर है, तो दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस ए एस पोस्टुलेट। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब आगे देखें, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने अभी भी प्रूफ कर लिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट तो इट्स मीन कि इसका जो एंगल एल है, ये वाला एंगल एंगल एल वो बराबर होगा एंगल ई के, और सिमिलरली एंगल एम बराबर होगा एंगल एफ के, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट जो हैं, तो वही बात हमने आगे लिखी। इधर देखें, एंगल एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल एल एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया और एंगल एम एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये बात कहां से पता चली हमें? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है जी, यहां तक आ गए। अब एंगल एल एंगल ई के बराबर शो हो गया और एंगल एम एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट शो हो गया। ठीक है, अब आप देखें जरा, लेकिन हमें ये कहा गया था, गिवन में हमारे पास क्या था, गिवन में हमारे पास ये था कि एंगल ई एंगल बी के इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, गिवन में तो यही था ना हमारे पास, क्योंकि गिवन में हमें कहा गया था कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और हमने इसमें उसी की बेसिस पे कहा था कि एंगल ई एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एफ एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये देखें, यही बात कही थी हमने। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिखा कि गिवन में तो हमने ये कहा था कि एंगल ई एंगल बी के बराबर है और एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एंगल एल एंगल ई के बराबर है और एंगल एम एंगल एफ के बराबर है, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को और आप इन दोनों को कंपेयर करें, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एल एंगल बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकी ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगी, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल बी, सिमिलरली एंगल एम इज इक्वल टू एंगल सी, यही बात हमने आगे लिखी। सो एंगल एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। यहाँ तक आ गए, ये बात हमें कहाँ से पता चली? इसको कहते हैं बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिविटी ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी की ट्रांजिटिविटी है, वो किस तरह से, अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये इसके कॉन्ग्रेंट है तो ये इसके साथ कॉन्ग्रेंट होगा, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक होगी बात यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं। अब देखें, अगर एंगल एल एंगल बी के इक्वल है और एंगल एम एंगल सी के इक्वल है, तो बच्चों यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें पता चलती है, वो क्या, वो ये कि एंगल, ये जो साइड एल एम है और जो बी सी है, ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, देखें ना आप कि जितना एंगल एल है उतना ही एंगल बी है, ये दोनों इक्वल हैं। अभी अभी ये जो लास्ट रिजल्ट हमारा आया वो यही है कि एंगल एल एंगल बी के इक्वल है और एंगल एम जो है वो एंगल सी के इक्वल है, यही बात हमने भी शो की है ना। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये भी आपस में इक्वल हैं, तो इट्स मीन कि ये दोनों साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने ज्योमेट्री में बात की थी कि अगर दो साइड्स हैं और उनको एक साइड कट करती है, तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल यहाँ पे बनता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और इनको कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब इसी बात को बच्चों मैं उल्टे अंदाज से कहता हूँ, जरा रिवर्स करके, वो क्या कि अगर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो वो दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, कह सकते हैं ना। अब इसी बात को हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर ये लाइंस पैरेलल होंगी, तो हमने यही बात लिखी, दस एल एम इज पैरेलल टू बी सी। ठीक होगी बात, आगे रीजन लिखी कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक आ गए, अब आप देखें, अगर एल एम बी सी के पैरेलल है तो अब तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। हमने फर्स्ट थ्योरम में एक बात सीखी थी, वो ये थी कि ए एल रेशो ए बी बराबर होगा ए एम रेशो ए सी,
वही बात हमने यहाँ पे अप्लाई की, हैंस ए एल ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एम ओवर ए सी। आगे यहाँ तक ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम, उसको यूज़ किया हमने, ठीक है। अब आप देखें ज़रा, हमने कहा था कि जो ए एल है, ए एल वो किसके बराबर है, ए एल जो है वो डी ई के बराबर है, तो मैंने क्या किया, ए एल की जगह डी ई रिप्लेस कर दिया, नीचे वाला ए बी वैसे ही है। अब इधर आए, ए एम हमने क्या कहा था शुरू में कि ए एम किसके बराबर है, डी एफ के, तो हमने ए एम को रिप्लेस कर दिया डी एफ से। बात समझ में आ रही है, ए एम को हमने रिप्लेस कर दिया डी एफ से और ए एल को रिप्लेस कर दिया डी ई से, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज है, आगे रीजन आ गए कि ए एल डी के इक्वल है और ए एम डी एफ के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से बात पता चली थी हमें। अब देखें बच्चों, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ए बी और ए सी के ऊपर पॉइंट्स लिए थे एल और एम, इसी तरह से अगर मैं यही पॉइंट्स बी ए और बी सी के ऊपर लेता, यानी कि ये वाली साइड ए बी और बी सी के ऊपर लेता, तो वहाँ से भी यही सारी वर्किंग करने के बाद एक रिजल्ट मिलता हमें। अब हम वो करेंगे नहीं, हम बल्कि सिमिलरली करके लिखेंगे, सिमिलरली बाय इंटरसेक्टिंग सेगमेंट्स ऑन बी ए एंड बी सी वी कैन प्रूव दैट। अब अगर इसी तरह से हम इन दोनों के ऊपर लेते वो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे मैं लेता, एक यहाँ पे लेता, फिर इनको ज्वाइन करता, ठीक है, तो उधर से भी एक रिजल्ट हमें इसी तरह का मिलता, और वो रिजल्ट क्या होता, वो ये होता डी ई ओवर ए बी इज इक्वल टू ई एफ ओवर बी सी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ई एफ ओवर बी सी, इसका नाम रखें आप सेकंड इक्वेशन, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें, तो इन दोनों को कंपेयर करने से हमें यहाँ पे ये रिलेशन मिल जाएगा कि डी ई ओवर ए बी इज इक्वल टू डी एफ ओवर ए सी इज इक्वल टू ई एफ ओवर बी सी, यहाँ तक आ गए। अब आप सिंपली क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे बच्चों इस पूरी वैल्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, हर एक वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी फ्रैक्शन, तो ए बी ओवर डी ई हो गया, ये ए सी ओवर डी एफ हो गया, ये बी सी ओवर ई एफ हो गया, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स, आगे रीजन आ गई। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट केस लिया था उसके लिए हमने ये बात प्रूफ की है, अब हम सेकंड केस को कंसिडर करेंगे और इसी तरह से हम उसके लिए भी प्रूफ करेंगे कि ये चीज़ होल्ड करती है, ठीक है जी। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस हमने ये सपोज किया था कि ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई, इस बात को लेते हुए हमने सारा सॉल्व किया और यहाँ पे आकर हमने प्रूफ कर दिया कि ये बात होल्ड करती है, ठीक है। अभी ये सिर्फ हमने ग्रेटर देन के लिए किया है, अब यही काम हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू के लिए भी करेंगे, पहले लेस इक्वल टू के लिए करेंगे फिर लेस देन के लिए करेंगे, ठीक है। अब आप देखें ज़रा, सेकेंड केस हमने लिया, इफ़ ए बी इज लेस देन डी ई, अब अगर सपोज करें कि ए बी छोटा है और डी ई साइड जो है वो ग्रेटर है, तो बच्चों एक बात बताएं, अगर ए बी लेस हो गई है और डी ई ग्रेटर हो गई है, तो हम यही वाला काम डी ई के साथ करेंगे, डी ई के ऊपर इंटरसेप्ट लेंगे जैसे हमने ए बी के ऊपर लिए थे, तो जब हम डी ई के ऊपर इंटरसेप्ट लेंगे तो सारी की सारी यही वाली वर्किंग दोबारा से होगी और हम सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए दोबारा से ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, तो हम उसको दोबारा से नहीं करेंगे, ऑलरेडी थ्योरम बहुत लंबा है, तो हम यहाँ पे सिमिलरली करके लिखेंगे, इफ़ ए बी इज़ लेस देन डी ई इट कैन सिमिलरली बी प्रूव्ड, तो इसको सिमिलरली प्रूव किया जा सकता है बाय टेकिंग इंटरसेप्ट ऑन साइड्स ऑफ डी ई एफ, आप डी ई एफ के ऊपर साइड इंटरसेप्ट लेंगे फिर यही सारी वर्किंग करेंगे, तो आप अगेन इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये तो लेस देन के केस में हम सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड केस रह जाता है इज इक्वल टू वाला, देखिए हमने ग्रेटर देन के लिए भी कर लिया, लेस देन के लिए भी कर लिया, अब इज इक्वल टू की बारी आती है कि अगर ए बी और डी ई बराबर हो जाएं तो क्या होगा। देखें अब ये बेसिकली थर्ड केस है, यहाँ पर ये थर्ड केस यहाँ से शुरू होता है, लेकिन बुक में उन्होंने सिर्फ दो ही केस शो किए हैं, तो इसलिए मैं भी दो ही की बात कर रहा हूँ। इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू डी ई, अगर ए बी डी ई के बराबर हो जाए, तो इधर आएँ, अगर ए बी डी ई के बराबर हो जाए तो क्या होगा, फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगर ए बी डी ई के बराबर है तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करें, जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करूँगा तो ये जो एंगल ए है, ये वाला एंगल ए, वो इक्वल है एंगल डी के, ये तो गिवन है हमें कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी, वही बात हमने लिखी कि एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, पता कहाँ से चला, गिवन से, ठीक है। अब आगे देखें आप, सिमिलरली एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, एंगल बी और एंगल ई दोनों इक्वल होंगे, वही बात हमने यहाँ पे लिखी कि एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, अगेन ये कहाँ से पता चला, गिवन से, ठीक है। अब आपने देखा कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड जो इन दोनों एंगल्स के दरमियान में आ रही है, ए बी साइड ये बराबर है, कॉन्ग्रेंट है डी ई साइड के साथ, ठीक है। तो वही बात हमने आगे लिखी, एंड ए बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखें आप, दो एंगल्स
दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड कॉन्ग्रेंट हो गई दोनों में, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बाय एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो वही बात हमने यहाँ पर एंड पे लिखी, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। रीज़न क्या आ गई, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड कॉन्ग्रेंट शो हो गई है, तो वो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी बाय एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के। ठीक है, अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम लिख सकते हैं दस, अगर देखें बच्चों दोनों ट्राइंगल्स ही इक्वल हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ए बी की रेशो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई वो इक्वल होगा ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ और बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, और इन सब की रेशो जो है वो 1 के इक्वल होगी। देखें ना, गौर करें ज़रा, अगर जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही डी ई की है, सपोज करें ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 1 आएगा। सपोज करें ये वाली साइड जो है वो 3 है और डी एफ भी 3 है, तो 3 बाई 3 कितना हो जाएगा, वो भी 1 आएगा। और अगर बी सी सपोज करें 2 है तो ई एफ भी 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे लिखी, दस ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू 1। इन सब की रेशो जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, और ये सारे आपस में इक्वल होंगे। आगे रीजन लिखी कि ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी एफ एंड बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ई एफ। ठीक है जी, अब हमने प्रूफ क्या करना था बच्चों, यही बात हमने प्रूफ करनी थी, रिजल्ट हमने यही प्रूफ करना था कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हैं। तो प्रूफ हो गया कि ए बी और डी ई प्रोपोर्शनल हैं, ए सी और डी एफ प्रोपोर्शनल हैं, बी सी और ई एफ प्रोपोर्शनल हैं। ये वही रिजल्ट है, ये वही रिजल्ट है सेम टू सेम जो हमने यहाँ पे ऊपर प्रूफ किया था। ठीक होगी बात, तो एंड पे लिखा हमने हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस। तो तीनों केसेस के लिए बच्चों हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो थ्योरम है वो होल्ड करता है, चाहे ये वाली साइड ए बी जो है वो इससे बड़ी हो, चाहे इससे छोटी हो, चाहे इसके बराबर हो, तीनों केसेस में जो साइड्स होंगी सिमिलर ट्राइंगल्स की वो कैसी होंगी, वो प्रोपोर्शनल ही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी, आपने इस थ्योरम को दोबारा से अच्छी तरह से सुनना है। ठीक है, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो नोट डाउन करनी है और इस थ्योरम की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।